हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा, हम ट्रैकिंग पे गए थे। यहाँ पे हमने खूब सारा एंजॉय किया। साथ में ही इतना दूर हमें जाना था कि हमें चक्कर ही आने लगा, लेकिन जैसे मैंने इन लोगों को डांस करते हुए देखा ना, चक्कर चुक्कर मेरा सर गायब हो गया। और यहाँ का व्यू तो लाजवाब था, यहाँ की कारीगिरी, ओ माई गॉड। साथ में ही जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ, ऐसा माना जाता है हनुमान जी ने ना संजीवनी यहीं से कहीं से ली थी। साथ में ही ये वाला राक्षस जिसको चूड़िया के नाम से जाना जाता है। लास्ट में जब हम शिव मंदिर पहुँचते हैं तो हमारी सारी थकान ही दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है यहाँ का सिक्का पाताल लोक जाता है। वीडियो को पूरा देखिए गाइस, साथ में ही देखोगे कि आंटी को क्यों ले जाना पड़ा पीठ पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आज की सुबह हमारी इतनी खूबसूरत जगह पे हो रही है। सोचा नहीं था, रात को ना बहुत डरावना था ये एरिया, लेकिन अभी सुबह उठते ही ना यहाँ पे पता लगा कि नहीं, पीछे का व्यू बहुत बढ़िया है। तो हम लोग ना यहाँ से ऊपर ही से होके ऊपर जाने वाले हैं, और बोलते वहाँ तक गाड़ी जाएगी, एक घंटे का सफर हमारा कम हो जाएगा। जहाँ हम रुके थे वो था ये टेंट, और ये है यहाँ का व्यू, ये है वो फॉर जंगल। हाँ अगर आप भी इच्छा रखते हो हिमाचल में चूड़धार जाने की तो आप वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको समझ आ जाए कि चूड़धार की यात्रा आपको कब करनी चाहिए। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना हम यहाँ से निकले ही हैं, और आप लोग ना यहाँ पे देख सकते हो बहुत गाड़ियाँ हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 हज़ार लोग हो सकते हैं ऊपर। वैसे हमने ये अपनी सेफ्टी के लिए ले रखा है, ताकि कोई ठंड ठुंड का, अगर कभी ठंड हो तो हमारे काम आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे चढ़ाई उतनी नहीं है, फिर भी सांस फूल रहा है, क्योंकि हमें ना चलने की आदत कम है। तो गाइस, हमने खाने पीने का सामान अपने साथ लेके आए। तो गाइस, वैसे तो रास्ता ठीक ही लग रहा है, उतना खराब नहीं है जितना सुनने में आया था। हाँ, रास्ता ठीक है। मतलब गाइस, यहाँ पे आता है बहुत ही घना जंगल। हाँ, अगर आपको आएगी आप लोग तो हो भी सकते हैं यहाँ पे। हाँ, देख सकते हो, पर बहुत सुंदर व्यू लग रहा है यार, बहुत सुंदर ना। और धूप वाला, मतलब वैसे धूप निकल गई है यहाँ पे, पर फिर भी नहीं लग रहा है। हाँ, गरम गरम कुछ। थोड़ी गलती हमसे ये हुई है कि हम थोड़ा और टाइम पे निकल सकते थे, फिर ठंडे ठंडे में ऊपर तक आधा रास्ता हम निकल जाना था। तो गाइज, हम आए थे सराय होके, जहाँ पे ना जहाँ से दूरी इसकी 8 किलोमीटर बता रहे थे। सो हमने यहाँ से अपना सफर शुरू किया है। यहाँ से फास्ट हो चुका, हम उतने आए हैं। तो गाइज देखो, हमने इनको पकड़ ही लिया, खिका के यहाँ से चले थे। लोगों ने कितना कचरा फेंका है, जब लोग ले जा सकते तो ला भी तो सकते वापस। दिखाओ ये वाली। हाँ, अच्छा। तो गाइज, ये दवाई जो आप देख रहे हो ना, इसको मशी की दवाई बोलते हैं। किसी को मशा हो तो वो लगा सकते हैं, ये हरी दवाई बोलते हैं इसको। तो गाइज, मूड खराब करना तो अपने अपने पतियों के साथ आए, वो आपके मूड गिना सीखते सीख सकते हैं। तो इतने फास्ट चलेंगे, इतने फास्ट चलेंगे हमें गाली मार मार के, क्या बोलते निधि? सही बात है। पानी पीने दो, हम फट चलो, चलो हम आगे। तो गाइस, हमें ना यहाँ से गर्मी लगना स्टार्ट हो चुकी है, और इन लोगों को पता है कि छोटे मोटे ब्लॉगर साथ में चले हैं, तो उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो गाइस, यहाँ पे चढ़ाई ना एकदम से शुरू नहीं होती, आस्ते आस्ते आती है। पहले जंगल आएगा, फिर खुला सा मैदान आएगा, और आस्ते आस्ते सब कुछ आएगा। साथ में यहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे पाए जा सकते हैं, बट सच कहूँ तो हमें एक भी जानवर यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ तक कि एक मेंढक तक नहीं मिला गाइस। तो गाइस देखो, हमें वहाँ जाना है उस पहाड़। तो ऐसा माना जाता है जो श्री गुरु जी है वो अपनी तपस्या के लिए ना इस पहाड़ पे गए थे, और ये ना 3 भाई है, एक जो जहाँ पे हम रुके थे सराय में, एक देवता वहाँ पे रहते हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है। यू अच्छा पार्टनर है आपके? अच्छा अच्छा, नहीं यार, आराम आराम से आओ। तो गाइस, फाइनली हमें शॉप्स दिखना शुरू हो चुकी थी, और आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि आपको ऊपर शॉप नहीं मिलेंगी, रास्ते में आपको शॉप मिलती रहेंगी। ये यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही यहाँ पे लगाई गई है, जो कि इनकी आजीविका का भी अच्छा साधन है। लेते हैं पीने की, अमूल लेते हैं यार।
अमूल कूल, हाँ ये ठीक है, एनर्जी आएगी थोड़ी है, हम ये ले रहे हैं अभी, थोड़ी एनर्जी आएगी। हाल है मेरे यहाँ पे भी। तो गाइज अगर आप लोगों को लगेगा कि ऊपर दुकानें नहीं है तो बहुत दुकानें हैं, तो आप टेंशन फ्री होकर आ सकते हो। तो गाइज अभी तो हम रास्ते में पहुंचे, यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। और आप लोगों को एक और चीज़ बताऊंगी, कल रात को ऐसे बोलते एक फैमिली गई थी ना, तो उनमें से एक बंदा एक्सपायर हुआ ऑक्सीजन की कमी से। तो जब भी आप साथ में आओ तो अपने साथ कपूर जरूर लाना, पूरा हमें नहीं पता बट ऐसा सही कुछ माना जाता है। और आप वो देखते वो लोग ना दिख भी नहीं रहे, पता नहीं कहाँ भाग गए। और मेन चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, और वहाँ पे ना भैंसे भी दिख रही ऊपर, यहाँ पे गुजरों का भी है इसलिए आप। और आप यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो कि जंगली चीज़ें आती है, जो सब्जी भी है यहाँ पे बहुत सारी। तो गाइस हम कॉफी पी रहे हैं अभी, दीदी भी पी रही है। और एक तो हमने गुम भी कर दिया रास्ते में कहीं, हमें गुम कर दिया। गाइस यहाँ से 4.5 किलोमीटर है हमारी ना, वीडियो बना रहे हैं तो मेरे पति को इतनी हाइट में चढ़ के थोड़ा सा दिमाग आया कि वीडियो फोन देखा रहा इसलिए कि वीडियो बनानी चाहिए। 4 hours later यहाँ से लेके यहाँ तक इनको पहुँचने में तकरीबन 15 मिनट लग गए। टांगे है तुम्हारी, टांगे से दी हुई जैसे पता नहीं उसकी मकड़ी भी तुम्हारे से तेज दौड़े। मेरे पुराने फोन होने का फायदा, अमित भैया हमने भरा और ठंडा पानी लो। कैसा लग रहा है भैया? एक वही घूम कर लिया, 2 मिनट का रास्ता था उसे घूम कर लिया। गाइस देखो हमने कितने सारे खाने के लिए आया, वाओ। बस ना ये खाली करो, लिफाफा खाली वो दो ना, और लिफाफे में कूड़ा डाल देंगे ना। निकाल लिया वो कूल, हाँ बस हम मिल बांट के पी रहे हैं। हम तो बहुत कूल है, तभी तो हम कूल तरीके से आ रहे हैं मजे से। कूल तो आप हो जो ऐसे भाग रहे हो, फिर भी हमें साथ ही पहुंचेगी हम, है ना, चाहे जितना मर्जी जाओ आप पहुंचेगी तो साथ में ही दर्शन भी करेंगे, साथ में ही वापस आएगी। पर मजा आ रहा है, मजा ही आ रहा है। तो ऐसा माना जाता है जो पत्थर है, चुड़िया राक्षस हुआ करता था, उसको भगाने के लिए शिरगुल महाराज ने यहाँ पे पत्थरों की लोहों की बारिश की थी। निधि को भी एनर्जी आ रही है इधर। चलो तो यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे लोग अपना फुल इन्जॉयमेंट साथ में लेके ही चले थे। सो इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों ने म्यूजिक साथ में ही रखा। हमने भी वहाँ जाना, देखो उंगली नहीं करते वैसे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये है मंदिर। तो गाइस यहाँ से ना हवा स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको फटफट की आवाज़ आएगी, यहाँ पर फिर भी कम है, ऊपर हाइट में बहुत ज़्यादा होगी। तो वैसे तो काफ़ी हाल में पहुँच गया ना, जाना है ऊपर। और हम लोग इतनी हाइट पे आ गए हैं, वो जो नीचे दिख रहा है सबसे लास्ट वाला, वहाँ से आए ये जो जंगल दिख रहा है ना आपको, इससे नीचे है, इससे नीचे जो ये इलाका है, यहाँ से आए हम पैदल चल के यहाँ। और यहाँ से भी अभी शायद 2-3 किलोमीटर तो होगा यार वो, क्योंकि इतना तो लग रहा है ना, इतना तो होगा दूर वो। तो गाइज यहीं पे है काला वाग, गुफा भी है और यहाँ पे ना पैरों के निशान भी है, वो मैं आपको वापसी में दिखाऊंगी। तो गाइज यहाँ पे चले थे आंटी ना, आंटी का पैर फ्रैक्चर हो चुका था इसलिए इनको गोद में उठा के ले जा रहे थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी तो इन्होंने आधा सफ़र भी तय नहीं किया था नीचे के लिए, अभी तो इनका नीचे उतराई स्टार्ट ही हुई थी। और आप देख सकते हो इन्होंने अपना पैर तोड़ दिया, यहाँ से कम 10 किलोमीटर जाना था इनको नीचे।
लेना। तो गाइस यहां से देखो इस तरह का जोर से बोलो, पर ये कंजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा अच्छा लग रहा है देखने में, कंजेस्टेड नहीं है। तो गाइस जैसे ही हम आगे पहुंचते तो सामने श्री गुरु महाराज जी का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है हमें। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत हवा है, हवा हवा पर क्यों आए यार, एक आए नीचे जाने रहा। अच्छा तो गाइस रास्ता नीचे, हम ऊपर वाले हम बैठे तो है नहीं, जाता है चूड़धार की चोटी के आसपास से ही ना हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो गाइस जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें स्टे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सराय हैं, लेकिन आज के लिए ऑलरेडी बुक हो चुकी होती है। सो ये है यहाँ का व्यू। यहाँ चलेगी भाई बंदी, नहीं काफी फैसिलिटी है। मैं भी क्या सोच रही थी हम आएंगे कुछ एक मंदिर दिखेगा बाकी कुछ, मतलब लोग ना डराते हैं, इतने सारे ब्लॉग बनाते हैं, लोग ये नहीं बताते कि ऊपर भी रहने की जगह है या फिर कुछ है, और पहले डरा के रखते कि ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, खाने पीने की चीजें कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन सब कुछ मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए आप अपना लिमिट का ही लेके चले। सो हाँ सही, वो तो नहीं यार हम सही बोलते हैं ना कि जिनकी सुविधा है रहने की सुविधा है, पर यहाँ पे सुविधा सब कुछ है लेकिन जगह भूलती लोगों की ना। तो गाइज आप लोगों में से अगर किसी को भी चूड़धार जाना है और आपको सराय का बंदोबस्त करना है तो आप 20 नंबर पे कॉल कर सकते हैं अपने रूम बुक करवाने के लिए और उसके अलावा कुछ और भी जानकारी लेने के लिए। तो गाइज जैसे रोडू में बोलते हैं ना, रोडू में पूछ करते हैं, देखो यहाँ पे भी पूछ वगैरह हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम नेचर ही है और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई थी, बहुत ही बारीकी काम यहाँ पे किया गया था। मुझे लग रहा था शायद मंदिर में अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे मंदिर में अंदर भी जाते हैं। साथ ही इस मंदिर में दो बावड़ियाँ हैं जो जिसका पानी ना लोग अपने सर पर डालते हैं तो बोलते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी पर अगर कोई बुरी नज़र या फिर कुछ ऐसा है तो उसको मतलब शुभ माना जाता है अगर सिंपल वर्ड में माना जाए। साथ में ही काफ़ी ज़्यादा मंदिर जैसे सिरमौर वाला साइड है ना, वहाँ से जब किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा या फिर किसी की मूर्ति को स्थापित करना होता है तो यहाँ से ही वो पानी लिया जाता है और धोया जाता है, और अंदर से ना कुछ इस प्रकार से था। तो उसके बाद गाइज हम लोग बाहर आ गए, और वीडियो वैसे अंदर की मेरे पास है बट मैंने पोस्ट नहीं की क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं दिखानी चाहिए, सो उसी का ध्यान रखते हुए मैंने पोस्ट नहीं की। साथ में ही यहाँ पे ना सब लोग पानी डाल रहे थे तो मैंने भी डाल दिया, और मैं वैसे अपने मतलब ऐसा मैं कुछ करती नहीं हूँ बट मुझे श्रद्धा के रूप में डालना ही था, और मैं घर से सोच के ही आई थी मुझे डालना ही डालना चाहे जो मर्जी हो जाए। तो गाइज ये है वो दो बावड़ियाँ, यहाँ पे ना पानी आप देख सकते हो, यहाँ पे ना पीछे पानी डाल रहे थे, उसको बोलते हैं काफ़ी शुभ माना जाता है, जैसे किसी को चिट्टे की चिट्टों को भी लगी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती ना उसके लिए भी शुभ होता है। दूसरा यहाँ का जो पानी है वो इतना पवित्र है कि जब कोई भी हमारे सिरमौर साइड कोई देवी देवता का मतलब प्रतिष्ठा करनी होती है ना तो पहले यहाँ पे उस इस पानी को लिया जाता है उनको मतलब नहाने के लिए, तो ये यहाँ की मान्यता है। मैंने चढ़ना, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लोग जाके ऊपर व्यूज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे है दो जगह, एक नौराधार और हरिपुर धार, और साथ में ही जहाँ से हम आए तीसरी वो कैसा माना जाता है, यहाँ पे जो सामने आपको धार दिख रही है ना ये नौराधार होके आते हैं। किस रहे सुनता
माथा, सिर, ये कान हो गया, ये आंख दिख रही है। तो गाइज इस पत्थर को चुरू के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है काफ़ी समय पहले चुरू और उनका बेटा शिवजी जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको यहाँ पे ना सांप उनके पीछे पड़ गया था, तो सांप से बचने के लिए उन्होंने शिवजी जी का ध्यान दिया और एकदम से बड़ा पत्थर आके उस सांप के ऊपर गिर गया, जिससे उस सांप की वहीं पर मृत्यु हो गई और उसके बाद इस पत्थर को ही चुरू के नाम से जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे ना देखो जंगली फूल भी है। गाइस आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लिंगड़े हैं, बट ये लिंगड़े नहीं है, हो सकता जहरीला भी हो क्योंकि जंगल की चीज़ है, तो जंगल में काफ़ी सारी जहरीली चीज़ें भी मिलती है। मेरा फटाफट चलो यार गाइस, जल्दी चलो, टांग चल रही गाइस, थकी हुई नहीं पर चला नहीं जा रहा, थकी नहीं हूँ मैं लेकिन चला नहीं जा रहा है। चला चलो चलो, ये देखो कहाँ पहुँच गए आगे इंसान, तो देख तुम लिंगड़े की सब्जी गाइस, ये लिंगड़ा नहीं है, ये जंगली लिंगड़ा, इसका जहर होता है इसमें। हाँ, इसमें जहर होता है क्योंकि जंगल की ना कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो जहरीली होती है, जंगल की मैक्सिमम चीज़ें। और आप वहाँ पे लोगों को देख सकते हो कहाँ पे खड़े हैं, जूम करके दिखा दो, जहाँ के लिए हम स्पेशल आए थे, वैसे तो हम आए तो वहाँ के लिए भी थे। कौन सा मंदिर है? कुछ कुछ चूड़ियाँ देखिए, भैया सुनो मैं बोली, जो ये बोल रहे ना इसके इसके अंदर कुछ सिक्का डालते और आवाज आती थी ना, अभी भी आती है? तो गाइज ऐसा माना जाता है जो आप पत्थर देख रहे हो ना, इसके अंदर सिक्का डाला करते थे और इससे ना बहुत तेज़ आवाज़ आती थी, मतलब 10 मिनट तक कंटिन्यू आवाज़ आती रहती। तो ऐसा माना जाता है कि ये आवाज़ ना पाताल लोक तक जाती थी, मतलब पाताल लोक तक का यहाँ का रास्ता था। और साथ में ही पांडवों के द्वारा ये पत्थर रखा गया है ऐसा पंडित जी बता रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। एक स्टोरी ये भी है कि श्री गुरु महाराज जी ने ना यहाँ पर चूड़िया नाम का एक राक्षस होता था, उसका भी यहीं पर उसको भी यहाँ से भगाया था उन्होंने, पत्थर की बारिश करके, कभी लोहे की बारिश करके, काफ़ी सारी चीज़ों से फिर वो भागा था। और जो पत्थर दिख रहे हैं ना वो उसी टाइम समय के पत्थर माने जाते हैं। साथ में ही गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी 3-4 स्टोरी यहाँ की बताई गई है, लेकिन कौन सी सत्य है ये तो यहाँ के पुजारी के द्वारा ही हमें पता चलेगा। हम घर को वापस निकल रहे, तो हमें उतराई तो जितना हम आए हैं उतना ही हमें वापस जाना है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको नीचे मिलूंगी क्योंकि इतना ब्लॉग 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 करके ना एंजॉय नहीं हो पाता। तो अब जाते वक्त तो नहीं हम एंजॉय कर पाए, वापस मतलब ऊपर आते वक्त तो नहीं हुआ, जाते वक्त ज़रूर करेंगे। सो मुझे लगा था कि माइक की ज़रूरत पड़ेगी, बट कोई भी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है उसमें आवाज़ आ रही ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं ये बोलूँगी ना, आप प्लीज़ यहाँ पे आए विजिट करें, बट गंदगी का पूरा पूरा ध्यान रखें, कोई भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि लोग ना लाते तो हैं लेकिन वापस ले के नहीं जाते सामान। तो अगर आप लोग ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो सुबह मॉर्निंग में ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिए, क्योंकि अभी हम ना यहाँ पे अभी लगभग 1 बजा होगा और आप लोग यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होना स्टार्ट हो गया था। तो गाइज अभी हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड ये है हमारा व्यू, ये चांचल की तरह ये देखने में सेम। सो जो लोग चल सकता है वो ज़रूर आए, जो नहीं चल सकते हैं वो ना आए। तो गाइज अभी ना हम थोड़ा ऊपर आए हैं और यहाँ देखो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे ना चरण के निशान है, तो मैं बोल रही थी यहाँ पे किसके चरण के पैर होंगे, तो चरण के निशान होंगे, मतलब ये था श्री गुरु महाराज के चरण के वो है निशान यहाँ पे। हाँ, मतलब कि आप ये बोल सकते हो जो शिव जी भगवान जी है उनके वो ना निशान पैरों के, ये तो नहीं है। यहाँ से
नानी को बोला है कुछ श्री चरण कहाँ है कहाँ तो गाइज ये है बाबा जी की गुफा है। बाबा जी यहीं पे रहते हैं पूरे साल भर, तो देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से है। चलो आप मैं चल पड़ना पीछे चल। ये चरण है हमारे श्री गुरु महाराज मतलब कि शिव जी भगवान जी के, यहाँ और वहाँ का कनेक्शन नहीं जुड़ सकता था। हाँ। तो कनेक्शन जब हनुमान जी ना संजीवनी कुटी लेके आए थे ना। हाँ। तो अपने माता से मिलने के लिए अंजनेरी पर्वत गए थे। हाँ। अच्छा अंजनेरी पर्वत में आज भी ना जो ये पत्थर दिख रहा है ना पार, ये बड़ा विशाल जैसा पत्थर। हाँ। वहाँ से यहाँ तक ना वो बड़ा जहाँ खच्चर इसके साथ पत्थर दिख रहा है ना वहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा चरण महाराष्ट्र में इतना बड़ा आज भी हनुमान जी का चरण है एक। हाँ। वहाँ पे जो भी उन्होंने एक पैर पे रखे था ना हाथ में वो था। तो वो निशान आज भी, और उसमें ना तालाब बना हुआ अभी ना। अच्छा तालाब बना हुआ और उसमें पानी होता है और इतना जबरदस्त है ना वो। कौन से कहाँ बोल रहे हैं? इंजीनियरिंग। तो गाइज यहाँ पे ना मेरे ब्लॉग तो खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा ब्लॉग खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये ब्लॉग आप यकीन नहीं मानोगे, एक घंटे का था, उसको मैंने 20 मिनट का बनाया है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको और भी ऐसे ऐसे ट्रैक देखने को मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं और निधि को यहाँ पे भैया बिल्कुल भगा के ले जा रहे हैं। सो अभी मैंने लास्ट में देखो आप यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम रात को रुके थे ना वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आ गई थी, तो रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन हम जा रहे थे। बाय बाय, टेक केयर।